सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था। और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000। और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान। और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे, न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात एचकेआरएन में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी एचकेआरएन के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो एचकेआरएन पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, ना किसी अधिकारी अफसर से बात कर रही है, ना किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है, व्यक्ति की योग्यता कितनी है और व्यक्ति रहता कहाँ है, क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने की उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले, ताकि इतनी कम आय में अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठिनाई या वहां रहने की कठिनाई, इसको भी हमने ध्यान किया है। तो इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नौकरी दी जिनकी परिवार की आय 1,00,000 रुपया या इससे कम थी, दूसरे चरण में 1,00,000 रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक की जो आय के परिवार थे उनको नौकरी दी है। तो ऐसे जो सब एक योग्य प्रकार से इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और न केवल नौकरी दी बल्कि इसके बाद हमने जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुविधाएं दी हैं। 10 आकस्मिक अवकाश, ऐसे ही 10 मेडिकल अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश इसकी भी सुविधा हमने दी है। जैसे आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई उसमें ऐसे सब लोगों को, क्योंकि ये श्रेणी 1,80,000 से लेकर के 3,00,000 की आय के बीच में आते हैं, तो मात्र 1,500 रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1,500 रुपया एक साथ देने के बजाय मासिक 125 रुपया अपनी सैलरी में से कटा करके और इस सुविधा को इनको मुहैया कराया गया है, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे सब परिवारों की ये जो आयुष्मान योजना 5,00,000 रुपए प्रति परिवार, इसका सुलभ एक व्यवस्था इनके लिए की जा सके। केवल इतना ही नहीं तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति
बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहां गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं, और वो भी इल्लीगल तरीके से। डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इसराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है, और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और अभी तो समय पर्याप्त बाकी है। इस समय में यदि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको विदेशों में भेजा जाएगा। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं, और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम है इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इलीगल तरीका युवकों को विदेशों में भेजने का, चाहे कबूतरबाजी है, डोंकी है, अथवा गलत तरीके से विदेश भेजने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, वो रुकेगा। और हमने तो यहां तक भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो जो नौजवान हमारी जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सूची में लिखाना चाहें ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक ये तैयार रहे कि आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके, तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है hkrnl.itihariana.gov.in इसको खोल करके इस पे अपना पंजीकरण करें ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ति में एक क्यू में लग जाएं कि आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको भी काम की ऑफर दी जा सके। हम आपको काम की ऑफर देते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी, इसमें भी आपको एक सुविधा जो है वो दी जाएगी। आप हम जानते हैं सब कि सरकारी नौकरियां उनकी एक सीमा है, क्योंकि हर वर्ष 20 से 25,000 नौकरियां ही मध्यम ऑन एवरेज ये निकल पाती हैं। अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नौकरियां शायद उतनी नहीं दे पाए, तो अभी आगामी इस 6 महीने के अंदर अंदर 60,000 नई नौकरियां ये हम देने जा रहे हैं। हमने पिछले अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी ये दी है। फिर भी जिनकी बारी सरकारी नौकरी में नहीं आती है उनको HKRN जैसा प्लेटफॉर्म यदि सुविधा इसकी मिलती है तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इस हमारे इस पोर्टल को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है। टेक इनबिल्ट ऑनलाइन सिस्टम इसमें हमने रखा है, और इसमें SC BC का जो रिजर्वेशन है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। आखिर ये जो सीधा लोगों को नौकरी रखते हैं, पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से उनकी सैलरी जाती थी, लेकिन हमने उस प्लेटफॉर्म को ई पेमेंट के माध्यम से सीधा उसके खाते के अंदर और ये जो पैसा है ये चला जाता है, इसलिए किसी की कोई शिकायत जो है वो कभी हमको मिलती नहीं है। और व्यक्ति जो इस प्रकार से रजिस्टर करते हैं उनकी कौशल विकास के नाते भी हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय इसके माध्यम से इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद जहां भी इसकी आवश्यकता होगी उन युवाओं को नौकरी जो है वो देने का प्रबंध करेंगे। इस वर्ष 2023-24 के अंदर हमने एक टारगेट रखा था कि हम 2 लाख बेरोजगार युवाओं को इस राष्ट्रीय कौशल योजना के अंतर्गत और काम दिलाएंगे, और आपको बताते खुशी हो रही है कि उसमें 80,000 युवकों को हम लोग काम दिला चुके हैं और शेष प्रक्रिया जारी है, और ये 23-24 समाप्ति तक हम इस 2 लाख के टारगेट को पूरा अवश्य करेंगे। आप लोग इसमें जो जो लोग सहयोग करें, जो जो लोग इसमें भाग लेना चाहें जरूर भाग लें, और इस जो HKRN का हमारा पोर्टल है
इस पोर्टल के माध्यम से हर किसी युवा बेरोजगार युवा को हम जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच सकेगा। अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि सिफारिश और बाबूशाही, उसको दोनों को मैंने बंद किया है। और आपको जो इसमें अनुभव आया होगा, मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि आपका अनुभव इसमें कैसा रहा, आपसे जो बातचीत होगी